अपने ही द्वार पर और ठोकर खाके गिर पड़ा। रानी कयादू ने देखा, अपने पति को उठा करके खड़ा कर दिया। हे पति देव, आप तो वन में तपस्या करने के लिए गए थे, आप अपने ही द्वार पर पड़ी हो, क्या बात है। तो आज इधर प्यारी भक्तों, माता बहनों, हिरण्यकश्यप कहने लगा, कयादू आज मैं तपस्या करने के लिए वन में गया, एक तोता बैरी ने जाने कहां से आ गया और वो नारायण नारायण जपने लगा। कयादू मुझे आया क्रोध दो और मैंने और उस तोता बैरी को उड़ा दिया। प्यारे भक्तों, तो आज कयादू ने कहा, ऐसा तोते ने क्या कह दिया जो तुम्हारा खोपड़ा खराब हो गया। कयादू ने कहा कि पति देव, बताओ ना कि तोते ने क्या कहा। तो हिरण्यकश्यप कहने लगा, कयादू जब मैं तपस्या करने के लिए बैठ गया और एक तोता बैरी न जाने कहां से आ गया और वो नारायण नारायण कहने लगा। कयादू ने कच्चा, तोता नारायण नारायण कहने लगा, फिर क्या हुआ। हिरण्यकश्यप कहने लगा, कयादू फिर मुझे आया क्रोध दो और मैंने इस तोता बैरी को उड़ा दिया। कयादू ने कच्चा, आपने तोते को उड़ा दिया, फिर क्या हुआ। हिरण्यकश्यप बोला, कयादू में फिर से तपस्या करने के लिए बैठ गया। कयादू ने कच्चा, फिर क्या हुआ। हिरण्यकश्यप बोला, तोता बैरी फिर आ गया। कयादू ने कच्चा, फिर हिरण्यकश्यप बोला, फिर वो तोता नारायण नारायण कहने लगा। कयादू ने कहा, फिर हिरण्यकश्यप बोला, फिर मुझे क्रोध आया और मैंने तोते को उड़ा दिया। कयादू ने कच्चा, आपने तोते को उड़ा दिया, फिर हिरण्यकश्यप कहने लगा, चुपचाप बैठ, फिर कह के मुझे फिरंगी की तरह नचा रही है। सुई कयादू ने एकदम से अपने पति की दोनों चरण पकड़ ले, बोली, पिया नाराज न होवो, बता देना है बतोता बैरी ने कहा कही। हिरण्यकश्यप कहने लगा, कयादू तोते ने नारायण नारायण कहा और क्या कहा। प्यारे भक्तों, आप सभी भक्तों सोच रहे होंगे कि एक ही शब्द कयादू अपने पति के मुख से बार बार क्यों कहलवा रही है। अरे भक्तों, कयादू एक बहुत बड़ी विदुषी स्त्री है, सोच रही है कि हमारे पति तो राक्षस हैं और ये भगवान से बहुत बैर करते हैं, परंतु आज प्रभु की कितनी बड़ी कृपा है जो मेरे पति के मुख से नारायण शब्द निकल रहा है। ऐसा शुभ अवसर जानकर कयादू ने अपने पति के मुख से 108 बार नारायण शब्द उच्चारण करवाया है और भक्तों, 108 मोतियों की माला होती है। सदगुरु का दिया हुआ गुरु मंत्र भी शिष्य
108 बार जपते हैं। प्यारी भक्तों, इसी के बीच में रानी कयादु ने गर्भ धारण किया और हिरण्यकश्यपु वन में तपस्या करने के लिए चला आया। घोर तप करने लगा, तपस्या करने लगा, तो ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा अपनी आंखें खोलो और तुम हमसे मांग लो, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। हिरण्यकश्यपु ने आंखों को खोला, कहा आगे प्रभु। ब्रह्मा जी ने कहा, हम तो आ गए। अरे मांगो बेटा, क्या चाहती हो? तो हिरण्यकश्यपु मांगने लगा और हिरण्यकश्यपु बोला, प्रभु सुनो, मुझे क्या चाहिए? कि मांगे ऐसे वो बरिदानी, प्रभु कि मांगे ऐसे वो बरिदानी, कि प्रभु जी मार न पावे कोई। प्रभु आप मुझे अमर कर दो, आपकी सृजा ही सृष्टि में मुझे कोई मार न पाए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा ब्रह्मा जी तब यों कहें कि ऐसो कब न हो। We'll be right back.
जिधर। हिरणा कश्यप बोला, आप मुझे प्रभु अमर कर दो, आपकी सृजा हुई सृष्टि में मुझे कोई मार न पाए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा ये मृत लोक है और इस मृत लोक में जो भी जन्मा है वो तो निश्चित ही मरेगा, इसलिए हम तुम्हें अमर नहीं कर पाएंगे। हिरण्यकश्यप कहने लगा, रे अमर नहीं कर सकते हो तो प्रकट क्यों हो गए? अरे सामने से हट जाओ, मैं फिर से करूँगा तपस्या और अमर हो करके ही रहूँगा। तो आजो भूत और राक्षस फिर से तपस्या कर भी के लें बैठेगो। तो आजो प्यारी भक्तों, धीरे धीरे भगवत प्रेमियों, आजो ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा तुम अपनी आंखें खोलो, देखो हम तुम्हें अमर तो नहीं कर पाएंगे, तुम हमसे ये मांग लो कि इस संसार में तुम किस किस से मरना नहीं चाहते हो, ये मांग लो, ये हम दे देंगे। हिरण्यकश्यप सोचने लगा, बात तो ये भी ठीक है, अरे हम तो ये भी मांग लेंगे, फिर प्रभु एक से काम नहीं चलेगा, फिर तो हम बहुत सारे वरदान मांगेंगे। तो ब्रह्मा जी बोले, लला जब दुकान तेरे सामने खुली पड़ी है, जी चाहे उतने वरदान हमसे मांग ले। तो हिरण्यकश्यप मांगने लगा, बोला कि कुछ अधिक नहीं बसी, इतना ही ऊपर न मरो नीचे न मरो। Hello।